कहते हैं सियासत के शोर में गरीबों की आवाज दब जाती है। इसकी जीती जागती तस्वीर हरियाणा के सोनीपत से सामने आई है। यहाँ 7 महीने का एक मासूम एम्बुलेंस में तड़पता रहा और सड़क पर नेताजी के रोड शो ने उसे अस्पताल पहुंचने तक का रास्ता नहीं दिया। इस संवेदनशील मामले पर सियासत का जो बेशर्म बयान सामने आया है वो और भी हैरान करने वाला है। सियासी शोर में दबकर गरीब की जिंदगी कैसे दम तोड़ती है उसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। कभी दाएं तो कभी बाएं, हर तरफ से कोशिश कर रहा था इस एम्बुलेंस का ड्राइवर। ताकि नेताजी की साइकिल रैली के बीच से थोड़ी जगह मिल जाती और वो एम्बुलेंस में सवार 7 महीने के एक मासूम को अस्पताल पहुंचा सकता। लेकिन अंधे बहरों की बस्ती में किसी को एम्बुलेंस के सायरन की आवाज कहां सुनाई देने वाली थी। कोई सुनता भी कैसे, एम्बुलेंस को रास्ता देता भी तो कैसे, नेताजी की शान में गुस्ताखी न हो जाती। सायरन बजता रहा और नेताजी के जयकारों के बीच एक नवजात की सांसें उखड़ती रही। नेताजी 7 मंथ का है, उसको तकलीफ है। कितनी देर से जाम में खड़े हो? 15-20 मिनट से, किसी रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, गाड़ी बिल्कुल स्टॉप हो गई यहीं पे, बहुत देर से परेशान हो रहे हैं। सड़क पर नेताजी की साइकिल स्कॉट के साथ शान से दनदनाती हुई निकल रही थी, लेकिन एम्बुलेंस को किसी ने रास्ता देने की जहमत नहीं उठाई। तस्वीरें हरियाणा के सोनीपत की हैं। मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की साइकिल रैली निकली थी। सड़क पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम उतरा था। कांग्रेस नेता की रैली के बीच ये एम्बुलेंस करीब आधे घंटे तक जाम में फंसी रही। वक्त पर अस्पताल न पहुंच पाने के कारण बच्चे को इलाज नहीं मिल पाया और दर्द से बिलख रहे बच्चे ने दम तोड़ दिया। अब बच्चे के परिजन इसे लेकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल भी गाड़ी बिल्कुल स्टॉप हो गई यहीं पे, बहुत देर से परेशान हो रहे हैं। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने धारा 304A और मोटर व्हीकल एक्ट 177 के तहत केस दर्ज किया है। लेकिन एक मासूम बच्चे की मौत पर सियासत कैसे बेशर्म दिखती है वो भी देख लीजिए। इस पूरे मामले पर हरियाणा के CM ने जाँच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल है कि क्या कोई जांच एक मां की सूनी गोद की दर्द कम कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।